भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजा वकार को बारामूला का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर बारामूला भाजपा इकाई के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। डाक बंगला बारामूला में राजा वकार के अभिनंदन के लिए आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कश्मीर संभाग के भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और नव मनोनीत भाजपा जिला अध्यक्ष का अभिनंदन किया। इस अवसर पर भाजपा नेता MM वार ने कहा कि संगठन को मजबूत करने और लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करना भाजपा की नीति है और आज जनता ने पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा आम जनता की एक मजबूत ताकत बनकर उभरी है और उन्हें यकीन है कि जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव पूरे क्षेत्र के विकास को एक बड़ा बढ़ावा देगा। बारामूला हिंदुस्तान से जो कुछ भी कश्मीर को मिलेगा वो सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में आएगा। नॉर्थ कश्मीर अभी आपने सवाल किया था लेकिन जवाब सही नहीं मिला। हमारे 10 साल में बारामूला में इस वक्त 3 स्टेडियम, आज अनुराग ठाकुर जी के साथ सुबह 9:30 बजे 2 मिनी स्टेडियम सैंक्शन हुए डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लिए, नाम हम नहीं बताएंगे। मैं आपसे एक वादा करता हूं, हिंदुस्तान जो कुछ भी देगा वो सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में आएगा और उसका सबूत आज तक इसी 10 साल में फोर लैन बन रहा है, इस 80 साल में क्यों नहीं बना। बारामूला से इस वक्त गुलमर्ग सिर्फ 42 किलोमीटर है, जो 122 किलोमीटर हमें बनता था वो आज के डेट में 42 किलोमीटर है। बारामूला नानक बाउल से होकर चंदोसा से होकर और वहां उस रूट पर इस साल 2 पेट्रोल पंप और डालने हैं। जल से नहीं लेना है, रेलवे से फायदा क्यों नहीं है? रेलवे जंगल से आए या बस्ती से आए, रेलवे तो रेलवे ही है ना। वो सबसे जाके हर के पास जाके बात करके और जो परेशानियां प्रॉब्लम है लोगों की, हम अपना यहाँ पे ऑफिस में रखेंगे कम से कम 2 दिन, क्या लोग आएंगे हमसे मिलने के लिए, किसी को भी प्रॉब्लम है तो हम उनकी प्रॉब्लम दूर करेंगे वहाँ पे। और बारामूला के खास तौर पर जी, बारामूला के लिए अभी देखिए, मैं कल ही यहाँ पे बाजार में जा रहा था, मैं आपको ये भी अपनी तकरीर में भी कहा, जब मैं यहाँ पे पढ़ा करता था 80s में यहाँ पे, मेरे ख्याल से मैं 1992 में लास्ट में यहाँ पे था, 4th क्लास में था तब, जैसा था ऐसी बारामूला आज भी। तो बारामूला की डेवलपमेंट के लिए हम आगे बात करेंगे और बारामूला को एक डेवलप जगह बनाना चाहते हैं हम आगे जाके, क्योंकि बारामूला पे हम बहुत तक पहुंचते हैं उस वक्त। तो आप मान वो सारे लोग यहाँ पे पार्टी में इसलिए आए थे कि हमको खाली अपने घर भरने हैं चलाने हैं, हमारा एक ही गौर साहब का, क्योंकि एक ही आदमी उसको सलूट करता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, इनका हमेशा मंशूर ये रहा कि पार्टी को आगे बढ़ाना है, हमने पार्टी तभी आगे बढ़ती है लोगों के काम होते हैं, हम लोगों के काम कराना चाहेंगे और डिस्ट्रिक्ट बारामूला को काफी डेवलप बनाना चाहेंगे। और जो अभी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है नौजवानों की, चाहे स्टेट की प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे यहाँ पे प्ले ग्राउंड की प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ ऐसे यहाँ पे नहीं न्यूज नहीं है हमारे, जैसे इंडोर स्टेडियम्स नहीं है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज तो है यहाँ पे, तो जो भी वहाँ की प्रॉब्लम हो वहाँ पे जाके पता करके आएंगे, वो प्रॉब्लम हल करने की कोशिश करेंगे, चाहे सेक्रेट में जाना पड़े। चाहे देखिए एक टाइम पे यहाँ पे बहुत हालात काफी पीक पे था, जैसे आपको पता है 2019 के बाद ही यहाँ पे हालात थोड़े ठीक हुए, जब से हमारे सितारस भाई हमारे रणजी मनोज सिन्हा साहब ने, तब से आप देख रहे हो हालात काफी बदल गए यहाँ पे। अभी कितना अच्छा हालात है यहाँ पे, काफी किलिंग कम हो गई है, पत्थरबाजी कहीं नहीं हो रही है। सबसे पहले अच्छा एक लॉ ऑर्डर चाहिए हमको एक स्टेट चलाने के लिए, अब अच्छा लॉ ऑर्डर हो गया है तो आप देखिए इंशाल्लाह आगे अच्छे अच्छे काम हमारे। उम्मीद रखनी है।